अफगानिस्तान में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। कई देश अपने अपने नागरिकों को वहां से निकाल रहे हैं। भारत सरकार ने भी अपनी वायुसेना के जरिए मिशन एयरलिफ्ट शुरू किया और अपने विमान C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए 168 यात्रियों को काबुल से बाहर निकाल लिया। सबसे राहत की बात यह है कि काबुल से बाहर निकालने के लिए इस मिशन में अकेले भारतीय ही नहीं है बल्कि वो जरूरतमंद अफगानी सिख भी हैं जो किसी भी सूरत में वहां से निकलना चाहते हैं और उनकी मदद की भारत सरकार ने। इस तस्वीर पर कौन न मर जाए, ऐ खुदा। वाकई हिंडन एयरपोर्ट की इस तस्वीर में इंसानियत के लिए एक ऐसा पैगाम छुपा है जिसे देखकर किसी भी नेक दिल इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट खेलने लगे और आंखें पानी से भीग जाएं। भारत का मिशन एयरलिफ्ट। विमान से 168 लोग भारत पहुंचे, 107 भारतीय, 24 अफगान सिख पहुंचे। पूरे अफगानिस्तान में चीख, दर्द और बेबसी का माहौल है, मगर इसके बीच भी राहत की खबर यह है कि भारतीय वायुसेना ने मिशन एयरलिफ्ट के तहत सुरक्षित रूप से 168 लोगों को एयरलिफ्ट कर लिया है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को दहशत की दुनिया से बाहर निकालने के लिए खास तौर पर इंतजाम किया और काबुल से उन लोगों को एयरलिफ्ट करवाया जो किसी भी सूरत में वहां से निकल जाना चाहते थे। हिंडन एयरबेस की ये तस्वीरें गवाह है कि यहां भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को लेकर पहुंचा था। पहली तस्वीर हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के विमान के पहुंचने की है और दूसरी तस्वीर विमान से उतरे उन अफगानी लोगों और उनके बच्चों की है जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखते ही राहत की सांस ली है। अमन की इस धरती सर जमीने हिंदुस्तान पर कदम रखते ही उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। अफगानिस्तान से जो लोग लौटे हैं वो अब यहाँ हिंडन एयरबेस से वापस जा रहे हैं और देखिए बहुत इनके चेहरे पर राहत जरूर नजर आ रही है। नरेंद्र सब ठीक है, अभी तो नॉर्मल है हालात, सिर्फ भी वो हो रहा है, थोड़े से हालात वहाँ के वो थे ना तभी तो निकले हैं सारे। तो वहाँ अब किस तरह से तीन दिन किस तरह से गुजरे आपने? तो वो बस जैसे एयरपोर्ट में थे हम। सर जो इवैक्यूएशन किया गया इसके बारे में क्या कहेंगे जो भारत सरकार ने किया है? बहुत बहुत धन्यवाद। अफगानी मूल के सिखों ने भी भारत सरकार का धन्यवाद किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसे लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा। लेकिन ये सभी भारतीय नहीं थे बल्कि इनमें 107 भारतीय हैं, जबकि इसके अलावा 24 अफगान सिख भी हिंदुस्तान आए हैं। वायुसेना के इस विमान के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचने और विमान से आए लोगों से जुड़ी 5 तस्वीरें एक एक लम्हे की गवाही दे रही हैं। वायुसेना के इस विमान से एक महिला सांसद अनारकली और सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा भी काबुल से भारत पहुंचे हैं। हिंदुस्तान पहुंचने के बाद नरेंद्र सिंह खालसा ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। इस दौरान वो मीडिया से बातचीत करते हुए भावुक भी हो गए। बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे इस तरह वाला जो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से रिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। इससे पहले काबुल से ताजिकिस्तान के रास्ते कुल 94 नागरिक दिल्ली पहुंचे जिनमें 87 भारतीय, 2 नेपाली और 5 डिप्लोमेट भी शामिल हैं। भारत ने अफगानिस्तान के एक सिख बच्चे को बगैर पासपोर्ट के एयरलिफ्ट किया है। अफगानिस्तान में हालात हर बीतते दिन के साथ ही बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों और इससे जुड़े मुद्दों के लिए एक अफगान स्पेशल सेल की स्थापना की है
जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर और जीमेल आईडी भी जारी की गई। आप जानकर ताजुब करेंगे कि पिछले 5 दिनों के दौरान सेल में 2000 से ज्यादा कॉल रिसीव किए गए, जबकि व्हाट्सएप पर करीब 6000 से ज्यादा आशंकाओं का निवारण किया गया। इतना ही नहीं, इस सेल ने इस दौरान 1200 से ज्यादा ईमेल के जवाब भी दिए, ताकि अफगानिस्तान में फंसे लोगों और उनके परिजनों को राहत दी जा सके। यानी तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से हर अमन पसंद तुरंत वहां से भाग निकलना चाहता है, फिर चाहे उसे क्यों ना अपनी जिंदगी ही दांव पर लगानी पड़ जाए।